अटल संकल्प, समस्या को पहचाने। जिंदगी की गाड़ी जिन पटरियों पर चलती है वो पटरियां हमेशा समानांतर नहीं रहती, कभी बहुत संकरी और तंग हो जाती हैं, तो कभी भयावह रूप से फैल जाती हैं, और कभी कभी इन पटरियों का संकरा होना या फैल जाना धीरे धीरे होता है, तो कभी अचानक इतनी तेजी से कि हमारी गाड़ी पटरियों से कब उतर गई ये हमें पता चले तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये जिंदगी के हादसे हैं, सभी के साथ घटते हैं, किसी के साथ कम तो किसी के साथ अधिक, कभी जल्दी जल्दी और लगातार तो कभी कभी धीरे धीरे, थोड़ा ठहर ठहर कर, किंतु समस्याओं के ये हादसे घटते सभी के जीवन में हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि हादसों से संघर्ष करना, जूझना और निपटने की कला को कुशलता भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। कुछ लोग मुश्किलों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, और कुछ लोग खड़े होते हैं, संघर्ष भी करते हैं और फिर शीघ्र ही हार भी मान लेते हैं। मेरा मानना है कि संघर्ष की निरंतरता, जीतने के संकल्प के साथ डटकर खड़े रहना और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता के प्रतिशत में वृद्धि करता है, और आप अंततः जीत ही जाते हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। अपनी समस्या को सही दृष्टि से देखें, उसे पहचानें, उसे हल करने का दृष्टिकोण बनाएं और फिर उस पर अमल करें। ये रहे वे सूत्र या सिद्धांत भी कह सकते हैं, इन्हें सावधानी और जिज्ञासा पूर्वक सुने और जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करें। हर एक के पास कोई ना कोई समस्या होती है। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नताएं अर्थात धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके संघर्ष, मेहनत और कर्म के मार्ग में जो बाधाएं या रुकावटें होंगी उनसे जीतना ही आपका मुख्य ध्येय रहेगा। किंतु यदि आप महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति हैं, तो आपके सामने अकर्मण्यता की समस्या होगी, जिसके फल स्वरूप आप में उत्साह और जोश की कमी होगी। परिणाम स्वरूप आप शारीरिक ऊर्जा के निचले स्तर पर जीवन जी रहे होंगे। अपने जीवन से असफल और हतोत्साहित इस बोरियत की स्थिति को संतोषजनक स्थिति नहीं कहा जा सकता। वास्तव में महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति नई समस्याओं को जाने अनजाने जन्म दे ही देता है। जिन समस्याओं से वो दूर भागता है उससे बड़ी समस्याएं और चुनौतियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप बेरोजगार हैं तो सामान्यतः आप सोचते होंगे कि रोजगार आपकी समस्या को सुलझा देगा, किंतु दूसरी ओर करोड़ों लोगों के पास ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, और अधिकांश तो अपनी नौकरी से नफरत भी करते हैं। किसी बॉस के पास अपने कर्मचारियों को संभालने और उनसे अधिकतम उत्पादन कराने की समस्या होती है, तो कर्मचारियों के पास अपने बॉस की योजनाओं, लक्ष्यों और मानदंडों के अनुरूप कार्य करने की। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वरोजगार और व्यवसाय करने वाले लोगों के पास अपनी समस्याएं नहीं होती। यदि आप भी यही सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल इन लोगों के पास अधिक समस्या होती है जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। स्वरोजगारों के पास अधिकतम उत्पादन, लाभ, सेवा या व्यवसाय की लागत को न्यूनतम रखना और कर्मचारी मैनेजमेंट की समस्या होती है। तो क्या इन सब समस्याओं का हल रिटायरमेंट है? हमारे बीच कितने सारे लोग अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाते हैं, शरद, चांदनी या धूप में बैठकर जीवन का आनंद लेने की योजना बनाते हैं, जब धन की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह सोचते हैं जैसे सेनानिवृत्ति उनके जीवन का स्वर्ग हो। किंतु अपने आस पास देखें, कितने सेवानिवृत्त लोग समस्या से विहीन हुए। कुछ अपनी स्थिति से बोर होते हैं, कुछ हताश होते हैं, और कुछ को तो ये एहसास सताता रहता है कि वे कोई उपयोगी कार्य नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे होंगे कि सफल लोगों के सामने समस्याएं और चुनौतियां नहीं होती।
परंतु वास्तव में इसका उल्टा ही सच है। सफलता किसी समस्या को समाप्त नहीं करती, वरन नई और अधिक चुनौतीपूर्ण समस्या को जन्म देती है। निश्चित रूप से सफल होना अविस्मरणीय और अद्भुत है, किंतु ये मान लेना कि सफल व्यक्ति सारी समस्याओं को पीछे छोड़ आया है, ये भारी भूल है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा में ए ग्रेड लाना, पर्वतारोही के लिए चट्टानों को लांघकर शिखर पर चढ़ना, व्यवसायी और स्वरोजगारों के लिए अपने लाभ को लगातार उच्चतम स्तर पर बनाए रखना तथा नौकरी करने वाले के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित करना सफलता के प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, किंतु ये किसी एक बिंदु या स्थान पर रुकने वाली प्रक्रिया कदापि नहीं है। कहने का अर्थ स्पष्ट रूप से यही है कि समस्याहीन जीवन केवल एक भ्रम है। हम में से कोई भी समस्या से हीन या मुक्त नहीं है, ये एक भ्रम है, छलावा है, मृग मरीचिका है रेगिस्तान की, जो हमें सफलता के मार्ग से दिग्भ्रमित कर सकती है, अंधा बना सकती है और भटका सकती है। समस्या विहीन जीवन की कल्पना करना उसके पीछे भागना है, एक काल्पनिक फंतासी है, ये शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। हर जीवित व्यक्ति के पास उसकी अपनी, उसके कार्यों और विकास के मार्ग से जुड़ी हुई समस्या होती ही है। इस सिद्धांत को अपनी पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करें और दूसरे सिद्धांत की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएं। एक ही समस्या दूसरे का अवसर। प्रत्येक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। किसी एक की समस्या दूसरे के लिए व्यवसाय बन सकती है। उदाहरण के लिए, हम भारतवासियों के लिए मच्छरों का होना एक आम समस्या है, तो दूसरी ओर इन्हीं मच्छरों से निपटने के लिए करोड़ों का व्यवसाय भी है और हजारों लोगों की नौकरी का साधन भी। हर एक समस्या के साथ किसी न किसी सृजनात्मक संभावना के तत्व छिपे होते हैं। हाँ, ये अवसर या संभावना आपके लिए भी हो सकती है और किसी अन्य के लिए भी। इसी प्रकार डॉक्टरों का महत्व और अस्तित्व केवल इसलिए है कि लोग बीमार होते हैं। वकीलों का व्यवसाय इसी कारण जीवित है कि लोग आपस में झगड़ते हैं या किसी न किसी बात अथवा तथ्य को लेकर विवाद करते हैं। ठीक इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, मुर्दाघर, कब्रिस्तान, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी हैं, जिनका उद्देश्य भी दूसरों की मदद करना ही है। समस्या नहीं, अपनी प्रतिष्ठा को नियंत्रित करें। कोई भी अपने वास्तविक दर्दनाक, पीड़ादायी, कटु और कठोर अनुभवों को अपने अपशब्द अथवा कविता में बदल सकता है। चुनाव आपका है। दोनों विकल्प आपके सामने मुक्त भाव से खुले हैं। ये पूरी तरह आपके हाथ में और आपके नियंत्रण में भी है। कठिनाइयों और मुश्किलों का चुनाव आपका नहीं भी हो सकता है, किंतु उन पर प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके नियंत्रण में हो सकती है। दरअसल जब आपके हाथों से फिसलकर और अनियंत्रित होकर भाग रही समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तब वास्तव में आप अपने जीवन में समस्या के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। अगर एक समस्या के लिए आपकी प्रतिक्रिया आपके अंतिम शब्द है, और यही महत्वपूर्ण भी है, समस्या को आप अपने ऊपर कब, कितना, कैसे और कहां प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं, ये पूरी तरह आप पर है। कहने का अर्थ केवल इतना है कि आप समस्या के साथ क्या व्यवहार करते हैं। ये आपको कमजोर या कठोर बना सकती है अथवा बेहतर या तथ्यहीन बना सकती है, आप पर ही निर्भर है। केवल बड़ी समस्या को ही आमंत्रित करें। केवल बड़ी समस्याओं में ही वो शक्ति होती है जो आपको बदल सकती है।
कुछ नया और अविश्वसनीय रूप से करने के लिए बड़ी समस्या आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है और विघटनकारी भी। समस्याएं जब भी हमें छोड़ती हैं तो उस रूप में रहने नहीं देती जिस रूप में वो प्रभाव में थी, अर्थात उनके प्रभाव से हम पूरी तरह बदल जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे एक अच्छी और सम्मानजनक नौकरी से निकाल दिया गया था, किंतु आज वो 3 पेट्रोल पंपों का मालिक है। उस गाड़ी से चलता है जिसे खरीदने के विषय में नौकरी करते हुए जीवन भर वो सोच भी नहीं सकता था। मुश्किलों का समय हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ता है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हर समस्या की उम्र सीमित होती है। हम सबके आसपास पर्वतों के शिखर भी हैं और अतल घाटियां भी। हर कोई हमेशा ना तो शिखर पर रहता है और ना ही निचली घाटियों। अर्थ बिल्कुल सीधा है, समस्याएं हमेशा नहीं रहती, वे चली जाती हैं या समय के साथ बदल जाती हैं। हर एक तूफान के बाद सूरज निकलता है, सुबह होती है, मधुप मकरंद पान करते हैं, फूल खिलते हैं, बहारें फिर से आती हैं। हाँ, कभी कभी ये समय थोड़ा लंबा अवश्य हो जाता है। निश्चित ही है एक दिन आपकी समस्याएं आपके सामने नहीं रहेंगी, किंतु आपका जीवन रहेगा फिर से मुस्कुराता हुआ, अनेक संभावनाओं और खुशियों के साथ, प्रकृति के भी रंग भरने और फूल के खिलने से पहले पतझड़ होता ही है। विश्वास रखिए, आपकी समस्या की भी अवधि पूरी होगी और वो आपके सामने से एक दिन हार कर या थक कर हट जाएगी। आप रहेंगे किंतु समस्या नहीं रहेगी। अपने विचारों को सदा सकारात्मक रखें। मुश्किलों से संघर्ष करते हुए केवल सकारात्मक प्रतिक्रिया का विकल्प चुनने वाले ही अपनी सभी मुश्किलों और समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया का अर्थ है मानवीय परिवारों के सामूहिक आत्मसम्मान में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रतिक्रिया। एक मनुष्य के रूप में अधिकतम गर्व का अनुभव कराने वाली प्रतिक्रिया जो मानवीय परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली शर्म को कम कर दे, जो हमें गर्व का अनुभव कराए, जो लोगों को अधिकतम प्रसन्नता प्रदान करे और समाज में रचनात्मक कार्य करने की सर्वाधिक संभावना को जन्म दे। इसके विपरीत नकारात्मक प्रतिक्रिया वो है जो मानवीय परिवारों के लिए शर्मनाक हो, जिससे किसी भी जीव का कोई हित ना हो। संभावना पूर्ण और सकारात्मक चिंतन आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा। इसका वादा तो नहीं किया जा सकता, किंतु विश्वास करें आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान ये कर देगी या सुलझा देगी। किंतु यदि किसी समस्या का कोई समाधान ही ना हो और आप समस्या को सुलझा ना सकें, तो उसको मैनेज करने का प्रयास करें। समस्याओं को मैनेज या प्रबंधन करने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस पर अपनी पूरी निष्ठा से अमल करें। नंबर 1, किसी भी समस्या के समाधान में अपनी संभावित शक्ति को कभी भी कम करके ना देखें और ना ही किसी समस्या की गंभीरता। कई बार समस्या हमसे इसलिए भी नहीं सुलझ पाती या मैनेज नहीं हो पाती क्योंकि हमने समस्या को समय पर गंभीरता से लिया ही नहीं। कितनी भी छोटी समस्या हो, उसे महत्वहीन समझकर कभी भी अनदेखा ना करें। समस्या केवल समस्या है, छोटी बड़ी में उसका विभाजन कदापि ना करें। आपको अपने मार्ग की हर समस्या से पार पाना ही है। नंबर 2, किसी भी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर देखने की भी कोशिश ना करें। आपके बेरोजगार होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कभी नौकरी नहीं मिल सकती। यदि आप अपना व्यवसाय किसी भी कारण से बंद कर रहे हैं या उसे विषम परिस्थिति में बंद करना पड़ रहा है, तो ये दुनिया का अंत नहीं है।
आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपनी शक्ति, शांति और ऊर्जा के साथ प्रयास करें, आगे बढ़ें। सफलता केवल एक कदम ही दूर है। नंबर 3, समस्या के समाधान के सभी प्रयास करें। सारे बीज बो दें फिर धैर्य रखना एक अच्छा गुण है, किंतु बिना कोई प्रयास किए हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना धैर्य नहीं है, और ये धैर्य कोई अच्छा गुण भी नहीं है। प्रत्येक समस्या का समाधान करना केवल आपकी ही जिम्मेदारी है। कभी किसी और से कोई उम्मीद न रखें। रिजल्ट की प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें और सारे संभावित प्रयास निरंतर करते रहें। नंबर 4, हर समस्या का समाधान उसके गंभीर हो जाने से पहले करें। किसी दूसरे को कभी भी कोई दोष ना दें। अपनी भावनाओं और विचारों को किसी नकारात्मक तथ्य की ओर बढ़ने ही ना दें। किसी भी समस्या के साथ दूसरी समस्या को जोड़कर ना देखें। नंबर 5, अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं को प्रेरित करें। कभी कभी आपके पास कोई समस्या होती ही नहीं है, केवल आपको एक कठिन निर्णय ही लेना होता है, और इस कठिन निर्णय को लेने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, आपकी कंपनी के कुछ कर्मचारी यदि आपके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और आपके द्वारा किए गए सभी रचनात्मक प्रयोग असफल हो रहे हैं, तो आपको केवल उन कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बाहर करने का एक कठिन निर्णय लेना है। दरअसल उनका काम ना करना आपकी समस्या ही नहीं है, ये तो उन कर्मचारियों की ही समस्या है जो कार्य नहीं कर रहे। नंबर 6, केवल आपकी समस्या ही नहीं, वरन हर समस्या अनेक संभावनाओं से भरी हो सकती है। यदि आप समस्या को समाप्त नहीं कर सकते तो उसे परिष्कृत करें, अर्थात अपने मार्ग के पत्थर को अपनी मंजिल की सीढ़ी में बदल दें। हर विपत्ति के भीतर एक संभावना का बीज भी छिपा होता है, उसे तलाश करें, उसका प्रयोग करें, उसे पोषण दें, तराशें और आगे बढ़ें। नंबर 7, स्वयं को पूरी तरह और पूरी निष्ठा से समर्पित करें। कोई भी व्यक्ति इस कारण से कभी असफल नहीं होता कि उसके अंदर बुद्धि, योग्यता, अवसर या प्रतिभा की कोई कमी है, बल्कि वो असफल केवल इसलिए होता है क्योंकि उसने समाधान हेतु स्वयं को पूरी तरह उत्साह से समर्पित नहीं किया है। नंबर 8, आपको अपनी समस्या के समाधान हेतु यदि किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता हो तो उससे बेझिझक मांगें। यदि आपको किसी की सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो भी मुक्त कंठ से मांग लें। अहंकारी प्रवृत्ति के योग इस महत्वपूर्ण तथ्य को अस्वीकार या नजरअंदाज करते हैं, इस कारण अक्सर पीछे भी रह जाते हैं। संयुक्त चिंतन के महत्व को समझें, सामुदायिक सम्मेलनों में भाग लें, क्लब में जाएं, सामूहिक प्रार्थना सभा में जाएं, ये सब आपके चिंतन की दशा और दिशा को बदल सकती है। प्रयोग करके देखें, ये सब आप